बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अलैहिस्सलाम ने 23 ज़िलहज को सोलबिया से अपने सफ़र का आगाज़ फरमाया और उसी रोज़ आप ज़ुबाला के मकाम पर पहुँचे। कारवान इश्क भी इस मकाम पर पहुँचा ही था और आपने वकूफ़ नहीं फरमाया था कि कूफा की जानिब से आपको एक शख्स नज़र आया जो कि मोहम्मद इबन अशअस का कासिद था। उसने एक खत इमाम अलैहिस्सलाम को दिया जो कि जनाब मुस्लिम इबन अकील के कहने पर लिखा गया था। चूँकि जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था तो आपने मोहम्मद इबन अशअस से वसीयत की थी कि एक खत लिखा जाए ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने से मना किया जा सके। अलबत्ता जनाब मुस्लिम ने इस बात का तकादा उमर साह से भी किया था मगर उसने मौका पर ही वसीयत को कबूल करने से इनकार कर दिया था। बस जब 9 ज़िलहज को जनाब मुस्लिम इबन अकील और जनाब हानी इबन उरवा की शहादत हो गई तो मोहम्मद इबन अशअस ने एक शख्स के जिसका नाम अयास इबन अथलेताई था उसको खत दिया, साथ में सवारी और ज्यादा सफर भी दिया और उसको हुक्म दिया कि यह खत हुसैन इबन अली तक पहुंचा दिया जाए। चनाचे उसने 4 रोज का मुसलसल सफर किया और उसने खुद को मकाम ज़ुबाला में इमाम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ा तो उस खत के जरिए आपको जनाब मुस्लिम इबन अकील और जनाब हानी इबन उरवा की शहादत की तस्दीक होगी। अलबत्त उसी खत में इमाम अलैहिस्सलाम को कैस इबन मुसहरे सदावी की शहादत के मुतालिक भी मालूम हुआ कि जिसको आपने मकाम हाजिज से अहले कूफा के लिए अपना कासिद बनाकर भेजा था। बस जब इन तमाम अफराद की शहादत की खबर इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने अपने तमाम असहाब व अंसार को जमा फरमाया, जो भी आपके साथ थे तमाम अफराद को एक जगह पे जमा फरमाया और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अभी मुस्लिम इबन अकील, हानी इबन उरवा और कैस इबन मुसहरे सदावी की शहादत की खबर मिली है और हमारे मानने वालों ने हमारी मदद से हाथ उठा लिया है, लिहाजा अब तुम में से जो शख्स वापस जाना चाहता है तो वो बड़ी खुशी से जा सकता है, इसलिए कि मैंने तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत को उठा लिया है। अभी इमाम अलैहिस्सलाम का खुतबा मुकम्मल न हुआ था कि लोगों ने दाएं बाएं जानिब सहरा की तरफ निकलना शुरू कर दिया और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा फकत वो मुखलिस अफराद बाकी रह गए थे जो कि मदीना या मक्का या अथनाए सफर में आपके हम सफर हुए थे, फकत वो मुखलिस अफराद आपके साथ थे। इसके अलावा बाकी तमाम अफराद आपको छोड़कर चले गए, ताकि तारीख में ये मिलता है कि आपके खानदान के 42 अफराद और आपके जो मुखलिस असहाब थे सिवाय उनके तमाम अफराद आपको छोड़कर चले गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सबके सामने ये खबर इसलिए बयान की ताकि कोई भी शख्स अपने अंजाम से बेखबर न रहे, इसलिए कि जब लोग ये देख रहे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम इराक की तरफ जा रहे हैं, चूंकि आप सैयद अरब अजम हैं लिहाजा बाज आराबी इस वजह से आपके साथ हो लिए थे कि अगर हम इमाम के साथ इराक जाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी कोई ओहदा या मनसब मिल जाए और हो सकता है हमें कोई मालो दौलत मिल जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए, इस बिना पर वो आपके साथ हो लिए थे। मगर जब उन अफराद को मालूम हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा जितने भी अफराद हैं उन सबको शहीद कर दिया जाएगा तो वो सब आपको छोड़कर अपने घरों को वापस जाने लगे। मगर वो अफराद जो इताअत इमाम को अपना फरीजा समझते थे और इमाम वक्त की मारिफत रखते थे और दिलो जान से आपके फिदाई थे, वो आखिर वक्त तक आपके हमरा रहे। अब जंग से मुंह मोड़ के जाएंगे नहीं हम, हजरत के कदम छोड़ के जाएंगे नहीं हम। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।